बेस कम ज्यादा करना चाहते हो, मैं टेस्ट के ज्यादा कर सकते हो। जो 2.7 mm थिक है, काफी प्रीमियम, काफी अच्छी डैम्पिंग है। 4-channel एम्पलीफायर आएगा, मोनो एम्पलीफायर आएगा, साथ में एक वूफर लग रहा है। इसमें हमने 2 layer की है, अंदर हमने कर दिया 12 हम कर रहे हैं। वायरिंग हम लगाएंगे स्कॉशे की, 8 gauge की 2 wire डलेंगी इसके अंदर। कुछ भी जो इस गाड़ी के अंदर काम हो रहा है उसमें कोई भी वायर कट नहीं होगी, ना वायर छिली जाएगी। आपके सामने ये वूफर है 10 inch के अंदर। फ्रंट में C3650 GL ऑडियो का कंपोनेंट लगा हुआ है, रियर में C2650 कंपोनेंट लगा हुआ है, साथ में मोनो एम्पलीफायर आएगा JD500x1। इसलिए ये वीडियो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, इतना जबरदस्त थ्रू है, मजेदार थ्रू है। जो फ्रंट में लग रहा है जेल ऑडियो का C3650, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। जो 3 inch का प्रोजेक्टर है उससे भी ज्यादा पावरफुल है। हाय दोस्तों, जो हमारा आज का वीडियो वो है Hyundai Creta के बारे में। ये गाड़ी स्पेशली आई है ऑडियो अपग्रेड होने के लिए पूर्णिया बिहार से। आप समझ सकते होंगे पूर्णिया बिहार कितना दूर है, और ये गाड़ी स्पेशल आई है वहाँ से काम होने के लिए। और कस्टमर की ये 3rd गाड़ी है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैं इनकी एक थार में, एक फॉर्च्यूनर में काम कर चुका हूँ, जिसमें मैंने फुल फ्लेज ऑडियो अपग्रेड और फुल मॉडिफिकेशन की थी। और ये 3rd गाड़ी आई है काम होने के लिए, और इसमें काफ़ी अच्छा हाई एंड काम होने वाला है, ऑडियो अपग्रेड प्रीमियम वाला होने वाला है। इसके अलावा भी बहुत सारा काम है, तो बहुत सारा अच्छा कंटेंट मिलने वाला है, मन रही हमारे साथ। ये जो Creta है टॉप मॉडल है, इसमें बहुत का स्पीकर लग के आया हुआ था, इसलिए ये वीडियो कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है, ये उनके लिए जो ऑडियो का शौक रखते हैं, जिनको पता है अच्छे ऑडियो का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने बताया इन कस्टमर की, मैं कई सारी गाड़ियों में ऑडियो अपग्रेड कर चुका हूँ, तो इनका जो टेस्ट है काफी अच्छा है, JL ऑडियो इनको पसंद है, तो इसलिए मैं बॉस का स्पीकर उतार के इसमें JL ऑडियो का सेटअप लगा रहा हूँ 100%, जिसमें फ्रंट में भी कॉम्पोनेंट लगेगा, रियर में भी कॉम्पोनेंट लगेगा, 4-channel एम्पलीफायर आएगा, मोनो एम्पलीफायर आएगा, साथ में एक वूफर लग रहा है, प्लस एक JBL का हम DSP भी लगा रहे हैं। और टोटल जितनी वायरिंग इस गाड़ी में हो रही है वो कॉपर वायर होने वाली है, तो बहुत अच्छा वाला ऑडियो अपग्रेड होने वाला है। और ये जो वीडियो है सिर्फ अच्छा जो ऑडियो अपग्रेड चाहते हैं अपनी गाड़ी में वो ही समझ सकते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। कंपनी जो है आपको यहाँ पे एक पन्नी लगा के देती है, और बेसिक दरवाजा होता है, स्पीकर लगा के दे देती है, और कुछ नहीं है इसके अंदर। बट जब हम अपग्रेड करेंगे तो हम क्या अपग्रेड करते हैं आपको बताते हैं। ऑडियो अपग्रेड में जो सबसे बेसिक चीज़ है वो है डैम्पिंग। तो डैम्पिंग इसमें हम काफ़ी अच्छी लगा रहे हैं। ये मोराइल की डैम्पिंग है जो 2.7 mm थिक है, काफ़ी प्रीमियम, काफ़ी अच्छी डैम्पिंग है, वेट काफ़ी ज़्यादा है, बहुत हाईली रिकमेंड करता हूँ मैं। इसमें हमने 2 layer की है, अंदर हमने कर दिया 12 हम कर रहे हैं। अब इसमें हम स्पीकर टाइट करने वाले हैं, साथ में वाटर गार्ड भी लगाएंगे, ये साथ में वाटर गार्ड भी लगेगा जिससे स्पीकर सेफ रहते हैं। जो कंपनी बॉस का स्पीकर लगा के देती है वो बिल्कुल बेसिक स्पीकर होता है, वो बहुत अच्छा हाई एंड स्पीकर लगा के नहीं देती है, तो जो हम लगा रहे हैं वो उससे काफ़ी अच्छा है, और आउटपुट भी काफ़ी ज़्यादा बेटर आएगा। तो ये सारे प्रोडक्ट्स लग रहे हैं हमारे Hyundai Creta के अंदर। शुरुआत करते हैं हम लोग कॉम्पोनेंट से, जो फ्रंट में लग रहा है JL ऑडियो का C3650 इन फ्रंट डोर, C2650 कॉम्पोनेंट इन रियर डोर। तो ये 2 pair कॉम्पोनेंट लगेंगे, जिसको 4-channel एम्पलीफायर चलाएगा हमारा JD400x4, साथ में मोनो एम्पलीफायर लगेगा JD500x1, जिससे 10 inch वूफर चलेगा हमारा JL ऑडियो का, वो भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये मोनो एम्पलीफायर JL ऑडियो के 10 inch के वूफर को प्ले करेगा, जो काफी अच्छा है, कॉम्पैक्ट है। इवन मैं ये वाला वूफर अपनी गाड़ी के अंदर यूज कर रहा हूँ, हाईली रिकमेंडेड है। इसके अलावा इसमें हम लोग DSP लगा रहे हैं JBL का, जो ट्यूनिंग और अच्छी कर देगा गाड़ी में, सराउंड साउंड दे देगा, काफी प्यारी आवाज आने वाली गाड़ी में सब कुछ इंस्टॉल होने के बाद में। डैम्पिंग मैंने आपको दिखाई थी मोरेल की 2.7 mm वाली हम लगा रहे हैं, साथ में वाटर गार्ड लगा रहे हैं ताकि स्पीकर्स की जो लाइफ बढ़ जाए। वायरिंग हम लगाएंगे स्कॉशे की, 8 gauge की 2 wire डलेंगे इसके अंदर। हाइलो कन्वर्टर लग रहा है रॉकफोर्ड फोर्स गेट का। इसके अलावा हम लोग इसमें एम्बियंस लाइट लगा रहे हैं, कार्डी K4 सेट ऑफ 18 piece, जिसमें 2 dashboard, 4 दरवाजे, 2 पैरों में आगे, 2 पैरों में पीछे, 4 water bottle holder, 4 ईंधन हैंडल में ये लग जाएगी। प्लस अब हम लोग लगा रहे हैं अजूम का प्रोजेक्टर 3 inch के अंदर व्हाइट कलर में। तो ओवरऑल बहुत अच्छा प्रीमियम काम गाड़ी में होने वाला है, और आप देखो जो रिजल्ट आने वाला फाइनल वाला आपको देख के मजा आ जाएगा।
एम्बियंस लाइट की तैयारी हो चुकी है गाड़ी के अंदर। विक्की वाइप इंस्टॉल करने लगे हैं इसमें एम्बियंस लाइट और तरीके से की जाती है, प्रॉपर फिनिशिंग है साथ में। और कुछ भी जो इस गाड़ी के अंदर काम हो रहा है उसमें कोई भी वायर कट नहीं होगी ना वायर छिड़ी जाएगी, तो वारंटी वार्ड नहीं होगी गाड़ी की। बाकी आप सिनेमैटिक में देख सकते हैं हम कैसे लगा रहे हैं, क्या इंस्टॉलेशन हो रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग इसमें अजूम का 3 इंच वाला प्रोजेक्टर लगाने लगे हैं, वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया, उसकी जगह हमने लगा दिया अजूम का 5 लाइन लग्जरी लाइट जो हमने ग्रिल काट के यहाँ फिट किया, आप देख सकते हो। और ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, जो 3 इंच का प्रोजेक्टर उससे भी ज्यादा पावरफुल है। और यहाँ पे लगने के बाद यह सोच सकते परमानेंट फिक्स हो चुका है भाई, अपनी जगह से ना हिलेगा ना इसका एंगल चेंज होगा, और लाइट इतनी जबरदस्त मिलेगी कि आपकी ड्राइविंग प्लेजर 100% बढ़ जाएगा। तो बहुत बढ़िया चीज़ है, अगर आपके पास कोई भी गाड़ी है उसमें हम लगा सकते हैं, मतलब 99% गाड़ियों में ये कंपेटेबल है, चाहे 3 लाइन लग्जरी हो चाहे 5 लाइन लग्जरी हो। और मैं आपको अजूम हाईली रिकमेंड करता हूँ। एक हमारे पास क्रेटा टाइप 2 भी आई है लग्जरी लाइट लगने के लिए, ये आप देख सकते हो। आजकल कस्टमर्स जितने भी हैं, कार ओनर्स जितने भी हैं, बहुत परेशान हैं ओरिजिनल लाइट से, किसी को मज़ा नहीं आ रहा ड्राइविंग करने के अंदर, अंधेरे में ऐसा लगता है कि बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। तो उसके लिए हमारे पास लोग हमारे को अप्रोच करते हैं और हम लोग ऑक्सीजन लाइट लगाते हैं गाड़ी के अंदर, और इसका हम एंगल ऐसे ट्रेड करते हैं कि किसी की आंखों में ना पड़े, सीधा रोड पर ही पड़े। तो GL ऑडियो का ऑडियो सेटअप भी कंप्लीट हो चुका है, आपके सामने ये वूफर है 10 इंच के अंदर, काफ़ी ठीक साइज के अंदर, छोटा साइज है, जगह कम खाता है, इफेक्ट अच्छा है गाड़ी के अंदर, आप इंजॉय कर सकते हो, बहुत हाईली रिकमेंडेड वूफर है ये। आओ अंदर चलते हैं। इसमें हमने बास कंट्रोलर भी लगाया हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है, अगर आप बेस कम ज्यादा करना चाहते हो ना टेस्ट के साथ आप कर सकते हो, पीछे फैमिली बैठी तो कम कर लो, अकेले बैठे एंजॉय करना है तो बेस बढ़ा सकते हो। बाकी लाइट की आप देख रहे हो, ऑक्सीजन लाइट आपको अंदर से दिखा रहा हूँ मैं, कितना जबरदस्त थ्रो है, मजेदार थ्रो है। जब ये हाईवे पे जाएगी तो गाड़ी सीधी होगी, तो इंक्लाइन खड़ी है तो थ्रो और जबरदस्त हो जाए। तो हमारा काम कंप्लीट हो गया, मैंने आपको साउंड आउटपुट सुना दी है, पीछे आपने वूफर देख लिया, GL ऑडियो का 10 इंच का लगा हुआ था, फ्रंट में C3650 GL ऑडियो का कंपोनेंट लगा हुआ है, रियर में C2650 कंपोनेंट लगा हुआ है, 4 चैनल एम्पलीफायर भी GL ऑडियो का है, मोनो भी GL ऑडियो का है, DSP JBL का लगा हुआ है, वायरिंग वगैरह मैं सब आपको दिखा चुका हूँ, डैम्पिंग हमने इसमें मोराइल की हुई है। साउंड आउटपुट बहुत बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आ रही है, ये रिकॉर्ड पता नहीं माइक कितना जस्टिफाई कर रहा होगा, बट साउंड आउटपुट बहुत ज़्यादा क्लियर है, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी है, अच्छा लग रहा है अंदर सुन के, अच्छे इफेक्ट आ रहे हैं, DSP ने काफ़ी अच्छा इफेक्ट कर दिया है, सराउंड साउंड आ रहा है हर तरीके का, और सेटिंग मिल जाती है हमें बहुत सारी, हम जैसे सेटिंग करना चाहें कस्टमर की डिमांड पे। और मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहूँगा कि जो GL ऑडियो है वो लाउड सेटअप नहीं है, अगर आप समझते हो मैं GL ऑडियो लगा के मैं गली मोहल्ले में बजा कर सुनाऊंगा तो GL ऑडियो उसके लिए नहीं है, GL ऑडियो उसके लिए है जो म्यूजिक एंथुसिएस्ट है, जिनको गाड़ी के अंदर बैठ के क्लियर आउटपुट चाहिए होती है एट मिड वॉल्यूम, तो GL ऑडियो उन कस्टमर के लिए है। और इन कस्टमर की मैं तीसरी गाड़ी के अंदर सेम सेटअप लगा रहा हूँ, तो ये तो हमेशा सेटिस्फाइड रहेगा हमारे काम से। इसके अलावा मैंने आपको बताया था इसमें 18 पीस वाली एम्बियंस लाइट भी लगाई है हमने, आप देख सकते हो दरवाजे पे लगी है, डैशबोर्ड पे लगी है, ऐसे ही पैरों पे लगी हुई है, और वाटर बॉटल होल्डर में लगी हुई है, इनर हैंडल में लगी हुई है, तो टोटल 18 पीस हो चुके हैं। तो गाड़ी का सेटअप कंप्लीट हो चुका हुआ है, इस गाड़ी में अराउंड जो काम हुआ है वो हुआ है 2,50,000 के आसपास, 2.5 लाख का काम हुआ है इस गाड़ी के अंदर, जिसमें ऑडियो सेटअप ही हमारा 2-2.25 लाख के आसपास का है। तो अगर आपको बढ़िया वाला काम कराना है, मतलब जितने भी बजट के अंदर कराना है, चाहे 30,000 का, 50,000 का, 60,000, लाख रुपए या कुछ भी अमाउंट में आप कराना चाहते हो, तो हमारे पास आप विजिट कर सकते हो ऑटोमेटिक एम्पोरियम में, हम आपको हमेशा बढ़िया अच्छा काम करके देंगे। और देखो गलतियां तो सबसे होती है, ऐसा नहीं है, ह्यूमन एरर होता है कई बार, तो उसको हम लोग रेक्टिफाई भी करके देते हैं। तो काम हमारा अच्छा है, प्रोडक्ट्स हमारे अच्छे हैं, आप विजिट कर सकते हो ऑटोमेटिक एम्पोरियम कुरोल बाग पे।